हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्सचर मिथ। आज के सेशन में हम स्टाइल एट्रीब्यूट के कुछ और प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे। इससे पहले भी हम काफ़ी सारे प्रॉपर्टीज़ डिस्कस कर चुके हैं स्टाइल एट्रीब्यूट के रिलेटेड, ठीक है। तो ये सेशन उसी के कंटिन्यूशन में, अगर आप लोगों ने पहले वाले सेशंस नहीं देखे हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि पहले आप वो सेशंस देख लें, क्योंकि इस पूरे प्लेलिस्ट में सभी सेशन एक प्रॉपर सीक्वेंस में है। तो अगर आप सीक्वेंस फॉलो करोगे तो और भी ज़्यादा ईजिली आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, ठीक है। बट अगर कोई डायरेक्टली इस सेशन को भी देख रहा है तो भी मैं आपको स्क्रैच से बताने वाला हूँ, तो इतना इशू नहीं होगा। जस्ट फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग यू कैन रेफर द एंटायर प्लेलिस्ट फ्रॉम अ सीक्वेंस, ओके, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। इस सेशन में हम तीन प्रॉपर्टीज़ मेनली डिस्कस करने वाले हैं जो स्टाइल एट्रीब्यूट से रिलेटेड है। पहली है मार्जिन, दूसरी है पैडिंग और तीसरी है बॉर्डर, ठीक है। तो हमें ये तीनों समझना है। मार्जिन क्या होता है, उसका स्ट्रक्चर कैसे है, कैसे उसको यूटिलाइज़ किया जाएगा, पैडिंग क्या है, कब यूज़ करा जाता है, उसका मीनिंग क्या है, उसका सिंटेक्स क्या है, और फिर लास्ट में देखेंगे बॉर्डर के बारे में कि अगर कभी बॉर्डर हमें यूज़ करना है तो वो कैसे यूज़ होता है, ठीक है। तो ये हमारी रिक्वायरमेंट है। इन तीनों को आज हम इसी एक सेशन के अंदर समझ लेंगे। तो अभी अगर एट प्रेजेंट आप मेरे कोड देखोगे तो मैंने यहाँ पे बस एक सिंपल HTML लिखा हुआ है, बिल्कुल सिंपल सिंटेक्स है इसका, जिसमें हमने एक हेडिंग शो किया है और एक पैराग्राफ शो किया है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको सेव करके मैं एक बार इसका आउटपुट दिखा देता हूँ, फिर हम मेन जो है टॉपिक वो स्टार्ट। हमारे पास ब्राउज़र एक हेडिंग शो कर रहा है और एक ब्राउज़र हमारा, एक तो हेडिंग शो हो रही है, एक पैराग्राफ शो हो रहा है, ठीक है जी। बट अभी तक हमने इस पर कोई भी प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं की है, ठीक है। तो प्रॉपर्टी अप्लाई अब हम करेंगे, एक एक प्रॉपर्टी को समझेंगे और उसको अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं मार्जिन की, कि मार्जिन क्या है, कैसे यूज़ किया जाता है, सिंटेक्स क्या रहेगा, ठीक है। तो इसको कॉपी करेंगे, इसी पैराग्राफ को, इसी को हम यूज़ करेंगे। यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट किया। अब हम यहाँ पे स्टाइल एट्रीब्यूट यूज़ करेंगे, क्योंकि ये प्रॉपर्टी स्टाइल एट्रीब्यूट के साथ आती है। तो आपको लिखना पड़ेगा स्टाइल, और हम VS कोड यूज़ कर रहे हैं तो सिंपली आप एंटर हिट करोगे तो भी आपको ये ऑप्शन शो करेगा। अब इसमें से हमारे को अप्लाई क्या करना है, हमें अप्लाई करना मार्जिन। तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा मार्जिन। मार्जिन में आप देखोगे काफ़ी सारे ऑप्शन भी आते हैं, मार्जिन टॉप, मार्जिन लेफ्ट, बॉटम, राइट, है ना, एक्स विड्थ, मैक्स बर्थ, ये सब अलग अलग टॉपिक हैं, है ना। तो अभी के लिए फोकस करते हैं सिर्फ मार्जिन पे। तो मार्जिन हमने सेलेक्ट किया। अब यहाँ पे हमारे को सेलेक्ट करना है मार्जिन की कितने पिक्सल पे मार्जिन चाहिए। फॉर एग्जांपल मुझे 20 पिक्सल मार्जिन चाहिए। तो मार्जिन क्या करता है, ये डिस्टेंस मेंटेन करता है पैराग्राफ के आउटसाइड जो भी लिखा हुआ है उससे और पैराग्राफ से, ठीक है। तो ये आउटसाइड की डिस्टेंस मेंटेन करता है, और पैडिंग क्या करता है, इनसाइड डिस्टेंस मेंटेन करता है। कैसे समझेंगे इसको, जैसे आप एक अज्यूम करो एक पैराग्राफ एक बॉक्स है, ठीक है। उस पैराग्राफ के अंदर हमने कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है, तो अब उस पूरे बॉक्स के ऊपर भी कुछ लिखा होगा, कुछ एलिमेंट्स होंगे, तो उस बॉक्स से पहले और उसके बाद में कुछ भी लिखा है तो वहाँ पे दोनों के बीच में जो डिस्टेंस लाएगा वो कौन लाएगा, वो लाएगा मार्जिन, ठीक है। इसको एक बार रन करते हैं फिर और प्रॉपरली समझ में आएगा। तो सेव किया मैंने, ब्राउज़र पर रिफ्रेश किया, तो देखो अभी क्या हो रहा है, यहाँ पे ये एक बॉक्स अज्यूम करो, अब 20 पिक्सल ऑल साइड हमारे पास मार्जिन आ गई इसमें, ठीक है। अगर मैं इसको 50 करता हूँ या 200 कर देते हैं, एक बार थोड़ा डिस्टेंस प्रॉपर शो होगा, रिफ्रेश किया, देखो 200 पे क्या हो गया, इतना 50, अगर इसको अपन सेलेक्ट यहाँ पे देखें 200 पिक्सल इधर भी है, इस तरफ भी, इधर भी है और इधर भी है, तो ये एक मार्जिन इसने क्रिएट कर दिया, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे नेक्स्ट पैराग्राफ भी आपको लिख के दिखाऊँ, सेव करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, तो देखो ये डिस्टेंस आ रहा है। तो ये जो अभी आपको एक अज्यूम करना है कि यहाँ पे एक बॉर्डर है इस मार्जिन के बाहर, है ना, मार्जिन सॉरी इस पैराग्राफ के बाहर, तो उस पैराग्राफ से ऊपर वाले टेक्स्ट में एक पूरा प्रॉपर 200 पिक्सल का डिस्टेंस है, बॉटम में भी 200, लेफ्ट राइट भी, तो इसको बोलते हैं मार्जिन। तो मार्जिन और पैडिंग क्या है, एक ऐसा टॉपिक है जो इंटरव्यूज में भी काफ़ी आता है, तो आपको पता होना चाहिए कि मार्जिन जो है वो आउटर साइड, आउटसाइड स्पेस को मेंटेन करता है, और पैडिंग है वो इनसाइड करता है, ठीक है। तो आई थिंक मार्जिन वाला पोर्शन हमारा क्लियर हो गया। अभी हम देखते हैं पैडिंग, कि पैडिंग में क्या होता है, चाहे तो इसको हम ऐसा कैसे रख सकते हैं, और पैडिंग वाला अलग से देखते हैं। तो अब यहाँ पे कॉपी करा इसको, सेम एट्रीब्यूट अप्लाई करेंगे स्टाइल, अब लिखेंगे पैडिंग, एंटर, ठीक है। और यहाँ पे लिखते हैं 200 पिक्सल्स ही, ठीक है। तो यहाँ मैंने 200 पिक्सल्स दिया, सेव किया, इसको रन करके देखते हैं, रिफ्रेश किया, तो देखो अभी क्या आ रहा है, टेक्स्ट तो आ रहा है बट वो इनसाइड है, मतलब अब आपने जो एज्यूम किया था इसके बाहर बॉर्डर, उसके इनसाइड में वो डिस्टेंस मेंटेन करता है। कैसे समझे इसको, मैं अब नॉर्मल वाला भी इसके साथ कॉपी करता हूँ,
सेव करते हैं, रिफ्रेश करते हैं, ठीक है। इसको थोड़ा सा स्लाइड करेंगे तो अब जो मार्जिन है ना वो क्या कर रहा है, बॉक्स के इनसाइड, एक यहाँ पे देखो आप पैडिंग में बॉक्स के इनसाइड वाला डिस्टेंस अफेक्ट करता है, ठीक है। यहाँ पे हम जब पैडिंग यूज़ करेंगे तो उसके इनसाइड वाला डिस्टेंस में इम्पैक्ट करेगा और मार्जिन में आउटसाइड वाला। तो इसी वे में आप समझ सकते हो कि मार्जिन और पैडिंग में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। अगर आप इसको यहाँ पे इसका साइज 20 पिक्सल करते हो और रिफ्रेश करते हो तो आपको यहाँ पे कुछ इस तरह से दिख रहा है, ठीक है। 20 पिक्सल पे ये ऐसे वर्क कर रहा है। तो आई होप अब आपको मार्जिन और पैडिंग में क्लियर हो गया। अगर इनफैक्ट अभी भी कुछ अगर आपको डाउट लग रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये चीज़ और भी बेटर वे में तब समझ में आएगी जब हम इसको डिव के साथ में यूज़ करेंगे, ठीक है। तो हम डिव बनाएंगे जब, तब देखेंगे कि इसका क्या मीनिंग है। बट अभी के लिए सिर्फ इतना समझना है कि मार्जिन क्या करता है, आउटसाइड स्पेस को मेंटेन करता है और पैडिंग इनसाइड स्पेस को मेंटेन करता है, क्लियर। तो ये था हमारा फर्स्ट प्रॉपर्टी आज का। फर्स्ट और सेकेंड हमने देख लिया, अब हम देखेंगे थर्ड प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, बॉर्डर, ठीक है। तो बॉर्डर को समझते हैं। बॉर्डर के लिए इस पैराग्राफ को मैं कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे इसको पेस्ट करेंगे। अब यहाँ पे लिखेंगे बॉर्डर। तो बॉर्डर लगाने के लिए आपको सबसे पहले स्टाइल एट्रीब्यूट ही यूज़ करना है। इधर अब हम लिखेंगे, यहाँ पे लिख देते हैं अपन। बट इससे पहले एक चीज़ और मेरे को बतानी थी, मैं वापस से बताता हूँ मार्जिन के बारे में। मार्जिन और पैडिंग दोनों आप एक साथ समझ सकते हो क्योंकि दोनों में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस है बट को रिलेटेड है तो इजीली समझ में आ जाएगा। अभी मार्जिन में जैसे हमने और भी ऑप्शंस देखे थे उसका मीनिंग क्या है, जैसे यहाँ पे अगर आप मार्जिन, यहाँ पे देखो मार्जिन लेफ्ट कर दो और फिर इसको सेव कर दो और फिर रिफ्रेश करो, तो अब क्या होगा, मार्जिन जो होगी वो सिर्फ लेफ्ट साइड पे होगी, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ लेफ्ट साइड पे मार्जिन अप्लाई हुई है। वैसे ही अगर आप मार्जिन राइट करोगे तो सिर्फ मार्जिन कहाँ होगी, राइट साइड में। तो ये कुछ ऑप्शंस होते हैं जिसको भी हम यूज़ कर सकते हैं रिक्वायरमेंट के। अभी मार्जिन सिर्फ राइट साइड में है, उसी तरह से अगर आप मार्जिन टॉप और बॉटम भी कर सकते हो। ये अगर हमने मार्जिन टॉप किया तो, और सेव किया इसको, तो अब मार्जिन टॉप पे है खाली, ठीक है। यहाँ पे दिख रहा है 200 पिक्सल, ये नीचे आपको शो होगा। ओके, वो टेक्स्ट यहाँ पे आई थिंक कट हो रहा है, बट वो मैं इसका विड्थ कम कर देता हूँ फिर आपको शो होगा। एक्चुअली मेरा स्क्रीन रिकॉर्डिंग की वजह से वहाँ पे वो इतना प्रॉपर शो नहीं हो रहा, तो मैं आपको रिफ्रेश करके दिखाता हूँ। देखो यहाँ पे आ गया है ना। तो इस तरह से आप ये यूज़ कर सकते हो। सेम ऑप्शंस हमारे पास पैडिंग के साथ भी आते हैं। पैडिंग अगर आपको इन ऑप्शंस को ऐसे एक्सप्लोर करना है तो आप क्या करोगे, यहाँ पे इस तरह से सिंपली मार्जिन लिखोगे और यहाँ पे ऑप्शन है, देखो मार्जिन, मार्जिन टॉप, लेफ्ट, बॉटम, राइट, ठीक है, इन लाइन स्टार्ट, ये सब चीज़ें आप एक्सप्लोर कर सकते हो खुद से। उसी तरह से पैडिंग में भी यही ऑप्शन है, लेफ्ट, टॉप, बॉटम, राइट, इन लाइन स्टार्ट। तो ये सब चीज़ आप ट्राई कर सकते हो एक एक करके अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। बट मेन कॉन्सेप्ट हमने समझ लिया कि मार्जिन जो है वो आउटसाइड डिस्टेंस मेंटेन करता है और पैडिंग इनसाइड डिस्टेंस मेंटेन करता है। अब हम वापस से फोकस करते हैं अपने बॉर्डर वाले पार्ट पे। तो बॉर्डर प्रॉपर्टी कैसे यूज होती है, सिंपली आपको लिखना है बॉर्डर। अब आपको यहाँ पे पिक्सल्स लेने के, कितने पिक्सल्स का बॉर्डर चाहिए। तो फॉर एग्जाम्पल मुझे 40 पिक्सल्स का बॉर्डर चाहिए, तो मैं यहाँ लिखूँगा 40 पिक्सल्स। अब इतना लिख के अगर आप सेव करके इसको रन करोगे तो आपको उसका आउटपुट प्रॉपर नहीं दिखेगा, है ना, इवन आउटपुट आ भी नहीं रहा है। तो मैं एक काम करता हूँ, ये वाला पुराना टेक्स्ट चाहे तो हम हटा भी सकते हैं, मार्जिन एक काम करते हैं, इसमें से कुछ पोर्शन हटा देते हैं जिससे आपको वो पेज के टॉप पे ही शो हो जाए। तो पैडिंग का एक एग्जाम्पल रखते हैं, एक एग्जाम्पल मार्जिन का रखते हैं और एक प्लेन नॉर्मल जो है हमारा, और अब बॉर्डर वाला, ठीक है। तो अभी मैंने इसको सेव किया, रिफ्रेश किया पेज को, देखो मार्जिन वाला शो हो रहा है। आई थिंक यहाँ पे हमने कुछ एक्स्ट्रा भी कॉपी किया हुआ है, ये नॉर्मल पैराग्राफ है, फिर मार्जिन का एक एग्जांपल है, पैडिंग का है और फिर बॉर्डर है। हाँ, ये बॉर्डर वाला है, ठीक है। तो अभी हमें क्या करना है, देखो बॉर्डर यहाँ पे शो नहीं हो रहा, तो बॉर्डर शो कैसे होगा, शो करने के लिए आपको यहाँ पे पहले लिखना पड़ेगा सॉलिड और यहाँ पे आपको कलर देना। फॉर एग्जाम्पल मुझे रेड कलर का बॉर्डर चाहिए तो मैं यहाँ पे रेड कलर लिख दूंगा। तो ये सिंटेक्स है, बॉर्डर कॉलन 40 पिक्सल जो उसकी विड्थ हो, जो उसके बॉर्डर का साइज होगा, सॉलिड होगा और रेड होगा। इसको सेव करेंगे, रिफ्रेश करेंगे तो अभी आपको यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है कि क्या इस इन सबको भी हम साथ में यूज़ कर सकते हैं, तो कर सकते हैं। देखो इसमें आपको और भी बेटर वे में समझ में आएगा। इसको कॉपी करते हैं, यहाँ पे एक मार्जिन लगाते हैं, ठीक है। तो मार्जिन में लगाया मार्जिन,
50 पिक्सल सेव किया और यहाँ पे साथ अभी अगर 50 पिक्सल पे मैं रिफ्रेश करके दिखाऊँ तो ये देखो ये इस तरह से मार्जिन दिख रहा है, आउटसाइड है बॉक्स के, उसको मार्जिन बोलते हैं। अब यहाँ पे हम पैडिंग भी लगा देते हैं, तो यहाँ पे पैडिंग लगाया 60 पिक्सल जस्ट टू शो यू डिफरेंस। ओके तो सेव किया, रिफ्रेश किया। अब अगर मैं इसको रिफ्रेश करके पेज अप करता हूँ तो देखो अब पैडिंग और मार्जिन का थोड़ा डिफरेंस और प्रॉपरली क्लियर हुआ। देखो जो बाहर ये एक्स्ट्रा स्पेस मेंटेन हुआ हुआ 50 पिक्सल्स का वो हुआ है मार्जिन से, और पैराग्राफ के अंदर जो मेंटेन हुआ है वो हुआ है हमारा पैडिंग से, ठीक है। और बॉर्डर का आपको पता है ये बॉर्डर रेड हमने ऐड किया था, इसी से ही आप लेफ्ट और राइट भी प्रॉपरली समझ सकते हो। अगर जैसे यहाँ पे मैं पैडिंग में पैडिंग लेफ्ट कर देता हूँ, हाइफन लेफ्ट, ठीक है। अब सेव करते हैं तो अब ये क्या हुआ, सिर्फ लेफ्ट साइड से पैडिंग कर रहा है, पैडिंग मीन्स इनसाइड है ना, तो सिर्फ लेफ्ट साइड में इसने पैडिंग किया 60 का। और वैसे ही अगर आप राइट करोगे, ओके इसमें कुछ इशू है अभी देखते हैं। यहाँ पे अगर मैं इसको 100 करता हूँ और सेव करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, देखो यहाँ पे स्पेस बढ़ गया, तो वो सिर्फ क्या कर रहा है लेफ्ट साइड पे कर रहा है। तो आई थिंक जब भी आपको, जैसे मैंने आपको बताया डिव में अपन समझ सकते हैं, वैसे ही अगर आप बॉर्डर यूज़ करके इसकी प्रैक्टिस करोगे तो आपको और इजीली समझ में आएगा कि मार्जिन क्या है, पैडिंग क्या है। इस डायग्राम को देख के, इस बॉर्डर को देख के आपको सब क्लियर हो जाना चाहिए कि ये देखो ये वाला जो एक्स्ट्रा स्पेस दिख रहा है आपको ऊपर से इधर से, क्योंकि हमने यहाँ पे मार्जिन सिर्फ मार्जिन लिखा था, लेफ्ट राइट नहीं लिखा, तो उसमें वो हर तरफ से 50 पिक्सल मेंटेन कर रहा है। और बॉक्स के अंदर ये जो डिफरेंस है वो हमारा आ रहा है किससे, पैडिंग से। अभी लेफ्ट है, अगर इसको मैं हटा देता हूँ तो 100 पिक्सल ऑल ओवर हो जाएगा। तो ये देखो इधर भी 100, इधर भी 100, इधर भी और इधर भी, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा कि कैसे हम इस चीज़ को यूज़ करते हैं, ठीक है। और इन सब को आप कॉम्बिनेशन भी यूज़ कर सकते हो अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। तो आज के लिए इतना ही था, नेक्स्ट सेशन में हम बाकी टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक्सचर मिथ।